आज दिखा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, 5 घंटे 36 मिनट तक रहा सूर्य ग्रहण, करीब 3 घंटे तक अंगूठी सा दिखा सूर्य। देश के दक्षिणी हिस्सों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में सूर्य ग्रहण अंगूठी के आकार का दिखा। दिल्ली समेत देश के बाकी हिस्सों में सूर्य ग्रहण आंशिक तौर पर आया नजर। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी दिखा सूर्य ग्रहण, काफी संख्या में लोग दूरबीन लेकर पहुंचे। सूर्य ग्रहण से जुड़ी जानकारियां भी पोस्टर पर लगाई गई। दुबई में भी देखा गया सूर्य ग्रहण, अबू धाबी में सूर्य ग्रहण पर रिंग ऑफ फायर का दिखा अद्भुत नजारा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हजारों भारतीयों की तरह देखा सूर्य ग्रहण, ट्वीट कर फोटो शेयर की, लिखा मैं बहुत उत्साहित था लेकिन घने बादलों की वजह से नहीं देख पाया, लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने कोझिकोड का सूर्य ग्रहण देखा। सूर्य ग्रहण से पहले सूतक की वजह से हरिद्वार के मंदिर बंद, हर की पौड़ी पर रोजाना सुबह होने वाली गंगा आरती भी नहीं हुई। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद ही मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे, फिर होगी पूजा अर्चना। सूर्य ग्रहण की वजह से मां वैष्णो देवी के दरबार में आरती सुबह 6:20 की जगह 11:20 पर हुई शुरू। ग्रहण के बाद मां वैष्णो देवी की पवित्र पिंडियों का स्नान के बाद किया गया श्रृंगार। खुफिया एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर, पाकिस्तान में खालिस्तान समर्थित आतंकियों के बीच हुई बड़ी बैठक, भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने पर हुआ फैसला। अयोध्या विवाद पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी दाखिल करेगी क्यूरेटिव पिटीशन, बाबरी मस्जिद का मलबा मुस्लिम समुदाय को सौंपने के लिए भी कोर्ट में देगी प्रार्थना पत्र। नागरिकता कानून का विरोध करने वालों से पीएम मोदी की अपील, अफवाह में आकर हिंसा ना करें, खुद सोचें कि क्या वो सही कर रहे हैं। बदजुबानी की हदें पार कर गया नागरिकता कानून का विरोध, अरुंधति रॉय की मोदी और शाह पर टिप्पणी, शिवराज ने कहा क्या ये देश विरोध नहीं। हैदराबाद में मोहन भागवत के विवादित बोल, देश में रह रहे सभी 130 करोड़ लोग हिंदू हैं, भारत 130 करोड़ आबादी को हिंदू समाज के रूप में मानता है, चाहे उनका धर्म और संस्कृति कुछ भी हो। झारखंड में बीजेपी की करारी हार पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां अक्सर डूब जाती हैं। 29 दिसंबर को शपथ लेंगे हेमंत सोरेन, कार्यक्रम में शामिल होंगी ममता बनर्जी, सोनिया गांधी से मुलाकात करके उन्हें भी दिया न्योता। आज से विधानसभा चुनाव का भी बिगुल फूंकेगी आप, टाउन हॉल में बैठक करेंगे केजरीवाल, आज से डोर टू डोर कैंपेन की भी होगी शुरुआत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली को देंगे 100 नई अल्ट्रा मॉडर्न बसों की सौगात। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA ने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, प्रोजेक्ट के लिए 60 एकड़ जमीन को चुना गया। उत्तर भारत पर आफत के 2 दिन, दिल्ली में आज और कल 5 डिग्री तक गिर सकता है तापमान, आज सुबह 6.4 डिग्री दर्ज पारा, कोहरे ने धीमी की 25 ट्रेनों की चाल। MP में अभी और कपकपाएगी ठंड, हल्की बारिश और घने कोहरे की संभावना, मौसम विभाग ने कई संभागों के लिए जारी की चेतावनी। दिल्ली में ठंड के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा, लोधी रोड में PM 2.5 का स्तर 244 और PM 10 का स्तर 231, कई इलाकों में प्रदूषण की मार। UP में शुरू होगी 7वीं आर्थिक जनगणना, लोक भवन में आज शाम 4 बजे CM योगी करेंगे शुरुआत। लखनऊ हिंसा को अंजाम देने वाले तीनों मास्टरमाइंड से IB की टीम पूछताछ कर रही, IB और खुफिया एजेंसियों को लखनऊ हिंसा का तार कश्मीर से जुड़ते हुए दिख रहा। UP के आगरा में शाम 6 बजे तक मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं निलंबित, CAA पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर प्रशासन ने उठाया कदम। हिंसा करने वालों पर योगी का हंटर, रामपुर मुजफ्फरनगर में आरोपियों की दुकानें सील की, लखनऊ से गाजियाबाद तक लाखों की रिकवरी नोटिस। अलीगढ़ में धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, बिना अनुमति कैंडल मार्च निकालने वाले 1200 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिहार के मोतिहारी में एक नाबालिग छात्रा को प्यार में फंसा कर उसके साथ गैंगरेप का आरोप लगा, छात्रा की मां के मुताबिक गैंगरेप से पहले उसका अपहरण हुआ था, पुलिस जांच में जुटी।
नए साल पर पंजाब सरकार ने बिजली का दाम बढ़ाने का किया फैसला। 1 जनवरी से घरेलू बिजली 30 पैसे प्रति यूनिट होगी महंगी। उद्योगों के लिए 29 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बढ़ेंगे दाम। महाराष्ट्र के मालेगांव में गधों का लगा मेला। 35,000 से लेकर 40,000 रुपए तक रही गधों की कीमत। संख्या कम होने की वजह से गधों के बढ़े दाम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जालना मार्ग पर शेखता गांव के पास सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्कूल बस पलटी, हादसे में 12 छात्र घायल हो गए। सभी छात्रों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। निजी स्कूल के छात्रों को BHU कैंपस ले जाया जा रहा था। आज 2 दिन के रायपुर दौरे पर आएंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। CM भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उड़के भी रहेंगी मौजूद। नागरिकता संशोधन कानून पर जागरूकता को लेकर MP BJP की बड़ी बैठक आज। शिवराज सिंह, गोपाल भार्गव समेत BJP के विधायक और जिलाध्यक्ष होंगे शामिल। 1 जनवरी से शुरू होने वाले जन जागरण अभियान की बनाएंगे रणनीति। अगले 4 दिन तक अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ उठाएंगे भोपालवासी। आज से रॉयल क्यूजीन फूड फेस्टिवल का आयोजन। मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे शुभारंभ। MP के टीकमगढ़ में छात्रा की आत्महत्या मामले में पुलिस ने 4 युवकों को किया गिरफ्तार। मामले का मुख्य आरोपी और उसका एक साथी अभी भी फरार चल रहा है। नए साल में माँ वैष्णो देवी के भक्तों को पैराग्लाइडिंग की सुविधा मिलेगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। पर्यटन विभाग त्रिकुट पर्वत के पास इसके निर्माण को अंतिम रूप देने में जुटा। अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को रखने के लिए कर्नाटक में बना पहला हिरासत केंद्र। CAA के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों को राशि देने से सरकार का इनकार। पुलिस की जांच पूरी होने से पहले नहीं दी जाएगी अनुग्रह राशि। केरल के कोल्लम में एक कपल पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मंगलवार रात की घटना। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले की एक ऑयल मिल में भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से भारी नुकसान की आशंका। तमिलनाडु के रामेश्वरम में गांजा तस्करी पर पुलिस ने कसा शिकंजा। 18 किलो गांजा पकड़ने में सफलता की हासिल। बैंकों के फ्रॉड में 74% का इजाफा हुआ। RBI की ताजा रिपोर्ट में खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में 71,543 करोड़ रुपए की कुल धोखाधड़ी, जबकि इससे पहले साल ये आंकड़ा 41,167 करोड़ रुपए का था। हयात होटल्स कॉरपोरेशन की 2020 के अंत तक भारत में 11 नए होटल खोलने की योजना। नए साल में ग्लोबल और भारत में कारोबार विस्तार करेगी कंपनी। वित्तीय साल 2019-20 रेलवे के लिए रहा सबसे सुरक्षित। बीते 9 महीने में एक भी पैसेंजर की मौत रिकॉर्ड में नहीं आई। महेंद्र सिंह धोनी ने दुबई में क्रिसमस मनाया। धोनी अपने दोस्तों संग दुबई में नजर आए। उनके साथ भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी मस्ती करते दिखे। भारतीय टेनिस दिग्गज लिएंडर पेस ने 2020 में खेल से विदा लेने की घोषणा की। कहा, ये साल उनके करियर का आखिरी साल होगा। पेस ने इंस्टाग्राम पर अपने प्रशंसकों को क्रिसमस की बधाई भी दी। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन फिलीपींस में आईफोन फोन तूफान ने मचाई भीषण तबाही। हजारों मकान बहे, सैकड़ों पेड़ गिरे, 16 लोगों की गई जान। US ने किया ब्लैकलिस्ट तो भड़का पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय ने फैसले को बताया एक तरफा और मनमाना। भारत को भी ब्लैकलिस्ट करने की मांग। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी भारतवंशियों ने सिटीजनशिप एक्ट के समर्थन में निकाला मार्च। भारत के लहराए झंडे। परवेज मुशर्रफ की अपील पर विशेष पीठ करेगी सुनवाई। पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए पीठ की गठन की। एयर इंडिया के पायलटों ने सरकार से की नोटिस पीरियड खत्म करने की मांग। बोले, सैलरी भुगतान में देरी की वजह से EMI नहीं चुका पा रहे। सरकार के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के 5 स्लैब्स की जगह हो सकते हैं 2 स्लैब। सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश।
किफायती आवासों और फ्लैटों की बढ़ी मांग से एनसीआर में घरों की बिक्री में आया उछाल। 2019 में 6% बढ़कर 46,920 घरों की बिक्री। नीता अंबानी ने 4,000 एनजीओ के बच्चों के साथ मनाया क्रिसमस। 100 फीट लंबा सस्टेनेबल क्रिसमस ट्री का अनावरण किया। सेलिब्रिटीज ने क्रिसमस धूमधाम से मनाया। कृति सैनन ने अपनी बहन और पूरे परिवार के साथ एनजीओ के बच्चों के साथ मनाया क्रिसमस। निक प्रियंका ने साथ में मनाया क्रिसमस। सेलिब्रेशन की खास तस्वीरें कपल्स ने सोशल मीडिया पर की शेयर। टाइगर श्रॉफ के साथ फिर काम करती दिखेंगी दिशा पाटनी। बागी 3 में दिशा पाटनी की एंट्री। श्रद्धा और टाइगर के साथ बिखेरेंगी जलवा।